तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी यार। द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज टू लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अब आपको रेशियो निकालना है लास्ट लाइन ऑफ बामर और लास्ट लाइन ऑफ लाइमन। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, सेम पूछा जाएगा, सिमिलर पूछा जाएगा, और ये बहुत बार आपको सॉल्व करने को इधर आएगा। तो ये हम एक बार अच्छे से आपको समझा देते हैं, इसको उसको समझ लो। लाइमन सीरीज कब बनता है, ठीक है, ये एनर्जी लेवल्स होते हैं n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, और इधर है n इक्वल टू 5। लाइमन सीरीज तब बनता है जब n इक्वल टू ग्राउंड लेवल में जंपिंग होगी ऊपर से, ठीक है। तो ये लाइमन सीरीज बनते हैं, जो फोटॉन्स रेडिएट होते हैं उनसे जो सीरीज बनता है उसको हम लाइमन सीरीज बोलते हैं। लाइमन सीरीज में लाइमन की अगर बात करोगे तो लाइमन की बात करोगे तो n इक्वल टू 1 में जंपिंग होगी, और कहाँ से जंपिंग होगी, n इक्वल टू 2 की वैल्यू 2, 3, 4 थ्योरेटिकली डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो अब देखो लाइमन सीरीज का रेशियो निकालना वेव लेंथ ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ द बामर सीरीज टू लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। लास्ट लाइन ये कौन, n इक्वल टू 2। अब देखो अगर n इक्वल टू ये फर्स्ट यहाँ पर n इक्वल टू 2 से 1 में, ये है 2 ना, तो 2 से अगर 1 में जंपिंग हुई है तो लाइमन सीरीज जो जो रेडिएशन निकलेगा, जो फोटोन निकलेगा, उसकी एक फिक्स वेवलेंथ होगी, फिक्स फ्रिक्वेंसी होगी, तो वो एक फिक्स लाइन बनाएगा स्पेक्ट्रम पर, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो n इक्वल टू 2 के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, या ऐसे पूछ दे फर्स्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज, या फर्स्ट फोटोन इन लाइमन सीरीज, या फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इन लाइमन सीरीज, या फर्स्ट रेडिएशन इन लाइमन सीरीज, ये सब एक ही है भाई। तो फर्स्ट लाइन, फर्स्ट फोटोन, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट रेडिएशन ऑफ लाइमन सीरीज, ये n इक्वल टू 3 में अगर जंपिंग, n इक्वल टू 3 से 1 में जंपिंग हुआ, 3 से 1, तो सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, सेकेंड फोटोन जनरेटेड, सेकेंड वेवलेंथ, सेकेंड फ्रीक्वेंसी, सेकेंड रेडिएशन, ठीक है। अब इसी तरह से ये थर्ड लाइन, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो तो ये लास्ट लाइन कब होगा, तो लाइमन की अगर बात करोगे तो लास्ट लाइन तब बनेगी, या लास्ट फोटोन, जब n1 तो वैल्यू 1 है और n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट होगी। तो अब हम एक फार्मूला पढ़ के आए हैं, 1/λ क्या है, वेवलेंथ का रेशियो निकालनी हो तो 1/λ इज इक्वल टू कौन सा है, लास्ट लाइन लाइमन सीरीज। अब r और z स्क्वायर, ठीक है, 1/n1 स्क्वायर या n1 स्क्वायर और 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर है। तो यहाँ से r और z का स्क्वायर और 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, तो कुल मिला के आर जेड आ जाएगा, दैट इज 1/λ1, मतलब λ1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ से वो आ जाएगी 1/rz². तो ये जो है दिस इज बेसिकली वो कुछ नहीं है, फर्स्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज rz². चलो अब बात करो, लाइमर हो गया, बामर की बात करो, बामर जो होता है वो विजिबल रीजन में लाई करता है, लाइमन जो होता है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करता है, ये सब याद रख लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये जो n इक्वल टू 2 में जंपिंग होगी तो कहाँ से जंप करेगा भाई इलेक्ट्रॉन, क्यों जंप करेगा, क्योंकि करता है यार वो, ठीक है। तो n इक्वल टू 2 में, और ये n इक्वल टू यहाँ ऊपर से जंपिंग होगी, जब एक्साइट हो जाएगा तो ग्राउंड में आना चाहेगा ना यार, तो जंप करेगा। तो ये जो है लाइमन, ये बामर सीरीज। अब जो फोटॉन्स निकलेंगे वो बामर सीरीज के स्पेक्ट्रम में लाई करेंगे, तो बामर सीरीज विजिबल रेंज में लाई करता है, उसमें कलर्स भी आएंगे। चलो तो यहाँ से अगर बामर सीरीज की बात करोगे तो बामर सीरीज में जंपिंग तब होती है जब n1 की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। n1 में बामर सीरीज की बात करोगे तो बामर सीरीज में प्यारे बच्चों जंपिंग कहाँ से होगी, n1 में, n1 2 होगा फिक्स है, और n2 की वैल्यू जो है 3 से जंपिंग होगी, 4 से जंपिंग होगी, 5 से जंपिंग होगी, थ्योरेटिकली इनफाइनाइट से जंपिंग होगी। तो ये जो अगर
जब 3 से 2 में जंपिंग हुआ तो फर्स्ट लाइन अब बामा, जब 3 से 2 में जंपिंग हुआ ये वाला, तो यहाँ जो फोटोन जनरेट हुआ वो फोटोन मैं बोलूँगा फर्स्ट वेवलेंथ ऑफ द बामर सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन ऑफ बामर सीरीज, या फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ बामर सीरीज, या समझ रहे हो ना, फर्स्ट फोटोन ऑफ बामर सीरीज का जनरेट हो गया है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स इसको पूछा जाए। अब यहाँ हमें लास्ट वाले पर लास्ट लाइन, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन और ये लास्ट लाइन कब होगा, जब n1 की वैल्यू 2 होगी और n2 की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। तो 1/λ वाला फार्मूला लगा दूं तो rz वॉट इवर 1/n1² मतलब ये 4 - 1/∞ का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा rz² / 4 1/λ² मतलब λ² की जो वैल्यू आ जाएगी 4rz². दिस इज व्हाट, दिस इज द λ² फर्स्ट लास्ट लाइन ऑफ द बामर सीरीज, दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अब हमें किसका रेशियो निकालना है, बामर टू लाइमन निकालना, मतलब λ² / λ1 निकालना, मतलब 4/rz² और डिवाइड कर दूं rz² से, तो rz² ने rz 4 इसका फाइनल सोल्यूशन है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, द 4 इज फाइनल सोल्यूशन, दैट इज 4th ऑप्शन सही है। चलो कहता है